सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारे गेमर और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड का फुल मैप का रैंकेड गेम प्ले। एंड ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो कि मैंने तगड़ा गेम प्ले अभी तक किया हूं, जिसका एंड यहां पर अब होती है शुरुआत हमारी सोलो वर्सेस स्क्वाड की गेम प्ले की। सो देखना ये है कि हम सोलो वर्सेस स्क्वाड में क्या करनी करते हैं एंड कहाँ तक हम पहुँच के मरते हैं या इस गेम प्ले को बोया ले पाते हैं। सो मैं लैंड कर चुका हूँ एक खतरनाक सा प्लेस, जहाँ से प्लेन जाता है तो बहुत सारे बंदे लैंड करते हैं। सो ये मिल है एंड मिल में लिटरली बहुत सारे बंदे आते हैं एंड मुझे एक बंदा दिखा जिसको मैंने हेडशॉट मार के डायरेक्ट ख़त्म कर दिया। शायद से ये बंदा, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा है या इसके टीममेट्स पूरे के पूरे मर चुके हैं। लेकिन टीममेट्स मरने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी अभी तो सभी लैंड किए हैं। सो मेरे सिंपल सा दो किल निकल गए, एक बंदे को तो मैंने हवा में ही मार दिया था। अच्छा हुआ कि उसको हेडशॉट नहीं लगा भाई, नहीं तो बोलते कि प्यारे भाई क्या बात है। सो सिंपल सा एंड नॉर्मल सा हम आज गेम प्ले करेंगे। नॉर्मल सा तो नहीं हो सकता, सिंपल हो सकता है लेकिन नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गदरनाक एंड जो दिमागदारी वाले बंदे रहते हैं वो लैंड किए हमारे साथ। सो इसको मारेंगे सबसे पहले। मेरे पास है अभी P90 एंड P90 से भी तगड़े हेडशॉट्स लगते हैं। जिसको पता है होगा P90 के हेडशॉट भाई वो ही जाने, क्योंकि इसमें ना 70 से 80 एमओ आ जाती आराम से, यदि आप क्लास स्क्वाड खेल रहे हो या कस्टम खेल रहे हो। सो एक बंदा गुलवाल के अंदर पैक है तो उसको गुलवाल तोड़ के डायरेक्ट ही मार सकते हो बिना रिलोड किए। तो ये एक बेनिफिट इसका ज़रूर होता है। एंड यहाँ पर इस बंदे के पास था सोनिया कैरेक्टर, जो कि अपडेट के बाद शायद से उसमें छेड़छाड़ी किया है, मतलब कि सोनिया कैरेक्टर में। क्योंकि देखो, सोनिया कैरेक्टर एक ऐसी लेजेंडरी कैरेक्टर है जो कि पीसी स्किल रखने के बावजूद भी लोगों के नाक में दम करके रख दिया है। फ्री फायर का बैलेंस बनाने के लिए भाई गेम प्ले में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट करेगा फ्री फायर, ठीक है। देखते हैं कि क्या यहाँ पर डाउन कर रहा है एंड क्या अप कर रहा है, कौन सी गन डाउन कर रहा है, कौन सी गन अप कर रहा है एंड कैरेक्टर्स में। बट यहाँ पर हम उनकी बात ना करते हुए गेम प्ले की बात करते हैं। एंड यहाँ काफ़ी सारे बंदे को तो मैंने मार दिया है, 7 किल मैंने कर लिया है एंड अभी 31 बंदे बचे हैं। 31 मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब यहाँ पर नौटंकी ज़रूर होगी। और ऐसे नौटंकी में हम जो नौटंकी करते उसकी बात कुछ अलग ही है। यहाँ पर एक और बंदे को हेडशॉट मार के मैंने ख़त्म कर दिया भाई, ख़त्म ही हो गया बंदा, ठीक है। शायद से यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे बंदे रहते हैं जिनके टीममेट बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ बंदे इस प्रकार के होते हैं जिनके टीममेट मरने का नाम ही नहीं लेते। जैसे इस बंदे को मैंने जस्ट हेडशॉट मार के नॉक किया। देखो ऐसा नहीं है ये कि बहुत ही तगड़े तगड़े हेडशॉट एंड ओनली रेड नंबर लगेंगे, ठीक है। एंड्रॉयड में ऐसा कुछ नहीं होता यार, मतलब कि कम ही हेडशॉट लगते हैं लेकिन हेडशॉट लगते ज़रूर हैं। सो उसी में हम खेलते जाते हैं एंड एक दो बॉडी एंड ज़्यादातर हेडशॉट ही मारता हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बॉडी एंड एक दो हेडशॉट, ठीक है, वैसा नहीं होता। ज़्यादा हेडशॉट लगते हैं, एक दो बॉडी शॉट लगना ज़रूरी है। यदि ओनली सभी बंदे को हेडशॉट मारते जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर ना भाई केस कर देंगे कि ये बंदा इतने सारे हेडशॉट कैसे मार रहा है, इसके अंदर कोई जादू ही सकती है या बिल्कुल ऐसे ही है। सो यहाँ स्कार मुझे मिल चुकी है, स्कार भाई ट्रिपल चिपाली स्कार। स्कार एक ऐसी लेजेंडरी गन है जिसका रेट ऑफ फायर काफ़ी ज़्यादा है एंड रेट ऑफ फायर ज़्यादा होने के कारण जो हेडशॉट रेट है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो स्कार मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन जो मेरी फेवरेट गन है, यदि ERMO की बात करूँ तो AK-47 है एंड स्नैपर में मुझे AWM पसंद है एंड जो मतलब मशीन गन है जिसमें MP40 की जैसा, तो मुझे MP40 पसंद है, ठीक है। एंड उसके बाद जो पसंद है वो है MP5, नहीं तो फिर और कोई गन पसंद नहीं है मुझे। एंड UZ को मैं साथ में रखता हूँ बैकअप के लिए, यदि मैं जब डबल स्नैपर से खेलता हूँ तो UZ ना एक बैकअप का काम करती है एंड काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकती है लोगों के लिए। यदि आप बहुत ही ज़्यादा पास रेंज में फाइट कर रहे हो शॉर्ट रेंज में, तो UZ ना MP40 से भी बेस्ट गन बन जाती है, मैंने ये देखा है।
सो मुझे यूजी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सी गन पसंद है कमेंट कर डालना, जो भी गन पसंद होगी आपको, ठीक है। 19 बंदे बचे हैं, 13 किल मैंने कर लिया हूँ एंड बंदे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतने सारे किल करने के बावजूद भी इतने सारे बंदे बचे ही हैं अभी तक, ठीक है। सामने बंदा है, हेडशॉट मारने का ट्राई, देखो हेडशॉट मारने का हम ट्राई कर सकते हैं, लगना नहीं लगना भाई वो किस्मत के ऊपर है। देखो ड्रैग हम अच्छे तरीके से करते हैं, जैसा ड्रैग करना चाहिए वैसे ही ड्रैग करते हैं। बंदे को हेडशॉट मारा, एक ही हेडशॉट है, लेकिन मुझे यहाँ से थोड़ा पीछे की तरफ भागना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर 3 से 4 बंदे हैं एंड जब ऐसी सिचुएशन आती है तो भाई उनसे ना रस करके नहीं, थोड़ा सा पीक लेके मारना चाहिए, ठीक है। सो अभी तो मैं प्लानिंग बना रहा हूँ उनको मारूँ कैसे कैसे, जैसे कि थोड़े थोड़े अलग होते जाते हैं एक बंदे, तो उस टाइप से उनको मार सकते हैं। जैसे कि अभी एक बंदे को मैंने नॉक किया, अब यहाँ पर 2 बंदे हैं, सो उनको भी मैं मार दूंगा कैसे ना कैसे, ठीक है। यहाँ पर एक बंदे को तो मैं नॉक करती हूँ, इस बंदे को भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है एंड इस बंदे को और भी कोई बंदा मार रहा है जो कि इस गुलवार के अंदर है एंड इस बंदे को भी हम मारेंगे। रुको जरा, सब्र करो, यहाँ पर काफ़ी सारा खतरनाक यहाँ पर मैंने मारा इस बंदे को एंड जैसे मैं बोल रहा था कि भाई यहाँ बंदे काफ़ी सारे हैं एंड और भी ज़्यादा बंदे खुद को रिवाइव कर लेते हैं। सो यहाँ पर 3 के 3 बंदे फिर से हो चुके हैं, एक बंदे को तो मैंने पहले ही मार दिया है एंड एक बंदे को नॉक किया था, शायद उसको रिवाइव कर लिया एंड फिर से मैंने एक बंदे को नॉक किया, 2 बंदे नॉक हैं और अभी एक और बंदा जीवित है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। भाई ये बंदा कैसे रिवाइव हुआ, सेल्फ रिवाइवल यूज़ कर लिया बंदे ने, मतलब कतई चतुराई चल रही है भैया। यहाँ पर एक बंदे को फिर से नॉक किया एंड दूसरा बंदा रिवाइव हो गया एंड इसको भी हम नॉक करते हैं, हेडशॉट हेडशॉट लग जा भाई, इतना क्रिटिकल सिचुएशन है ना कह बोलिए, एंड ऐसे सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है और मेरे पास तो वैसे भी नहीं है दिमाग यार, मैं तो थक चुका हूँ भाई। 16 किल 14 बंदे अलाइव हैं एंड MP40 की एमओ मिल चुकी है। चलो चलो, सामने बंदा है, सामने बंदा है, हेडशॉट बंदे को एंड बंदा हो चुका है ख़त्म और यहाँ पर बंदे को हमने ख़त्म कर दिए हैं एंड सामने बंदा है और हम इसको मार रहे हैं, एक हेडशॉट हेडशॉट हेडशॉट। देखो इतना ज़्यादा ड्रैग है, हेडशॉट मारा मतलब इतना ज़्यादा ड्रैग किया मैंने तब भी उसको हेडशॉट नहीं लग रहा था, तो यार उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मारते जाओ मारते जाओ। बंदा मारा तो ठीक, ना मारा तो ठीक। कितने किल हो चुके हैं, 18 किल मैंने कर लिया हूँ, कैसे कर लेते हो पांडे जी, मुझे तो कोई समझ नहीं आता, पीछे से कौन मार रहा है, पीछे तो देखो प्यारे, पीछे देख ले भाई प्यारे, ओ प्यारे गाइस, पीछे से मार रहा है कोई बंदा, एक बंदा सामने से भी। वैसे मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक टेंशन में हूँ कि भाई मुझे आगे वाला मारेगा या पीछे भाई इस बंदे को तो मैंने जस्ट किया नॉक एंड ख़त्म किया क्योंकि इसके पास था सेल्फ रिवाइवल। ऐसा भी हो सकता है इसका टीममेट्स पूरे के पूरे मर चुके हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा अकेला हो लेकिन सेल्फ रिवाइवल के कारण यहाँ पर बंदा बच चुका था लेकिन मैंने मार दिया एंड एक और बंदा दूर रास्ता आया एंड उसको भी मैंने मार दिया, वो सोच रहा होगा यहाँ फाइट हुई है तो मैं इसको आसानी से जाके मार दूंगा, बट ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम चारों तरफ नज़र रखते हैं, पीछे भी नज़र, जहाँ से गोली पड़ी पट्टे से गुलवार लगाते हैं, हेडशॉट तो नहीं मारते, पट्टे से सबसे पहले हम गुलवार लगाएंगे एंड उसके बाद सिचुएशन देखेंगे कि बंदे को मारना कैसा है एंड उसके बाद मार दो बिल्कुल आसानी से। आप भी मार सकते हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना पांडे जी, समझ रहे हो ना। सामने बंदा है, हेडशॉट मारने का ट्राई बंदे को पड़ा, कुछ पहले हेडशॉट लगे एंड बाद में एक बॉडी लगा और बॉडी से मरा ये बंदा। मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बहुत मतलब तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम 2-3 हेडशॉट मारो बाद में एक बॉडी शॉट लग जाए एंड बॉडी शॉट में किल आए तो कैसा लगेगा तुमको बताइए आप। लास्ट के 3 बंदे, एक बंदे को हेडशॉट मारा भाई, नॉक है बंदा, इस बंदे को नॉक किया, लास्ट का एक बंदा बचा, इसको मार डाला तो लाइव झिंगा लगा, हमारा बोया हो जाएगा एंड बोया जैसा हुआ सारे के सारे बंदे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बजे वाले को शॉर्ट कर डालना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो में, आज के बस नहीं।